पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना नागफनी क्षेत्र स्थित रामलीला ग्राउंड के पास बने एक एक्सपोर्ट फर्म परिसर में मंदिर को तोड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है, जिसके चलते आज सुबह से लोग एक्सपोर्ट फर्म के सामने धरना दे रहे हैं। मंदिर तोड़े जाने का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि पैरामाउंट एक्सपोर्ट फर्म मालिक ने कुछ भूमाफियाओं को साथ लेकर मंदिर को तोड़ दिया, जिसके चलते हिंदू समाज के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। इन लोगों ने शहर के कई लोगों का नाम लेते हुए बताया कि मालिक से हमसाज होकर अंदरूनी रूप से प्लांटिंग शुरू कर दी गई और अवैध रूप से फर्म के दो तरफ गेट खोल दिए गए, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। ये मंदिर जो है बहुत पुराना था। जिस समय सन 2007 में इस फैक्ट्री में चौकीदारी के पद पर आया था, तो इस मंदिर की मूर्तियां जो हैं अभी 3 महीने पहले मनमोहन महाजन ने यहाँ से निकलवा दी जबरदस्ती लोगों को बुलाकर, और मुझे डराया धमका गया कि आप यहाँ से अगर मूर्तियां नहीं निकलवाएंगे तो मैं आपका सामान जो बाहर फेंकवा दूँगा सब जितना भी। तो मैंने और मेरे परिवार ने इसकी मंदिर की जो है पूजा पाठ भी करता था मैं रोज। तो ये जो कॉलोनी कौन बना रहा है? ये कॉलोनी जो है हाजी अकरम है और हाजी अंडा याकूब और इरफान भाई हाजी गुड्डू भाई। फर्म किस नाम से थी जी? ये फर्म किस नाम से थी? ये फर्म जो है पैरामाउंट एक्सपोर्ट के नाम से थी। मनमोहन महाजन इनके पार्टनर हैं और सूरज प्रकाश महाजन। मंदिर कितना पुराना होगा लगभग? ये मंदिर है कम से कम ये 40 साल पुराना मंदिर। किस काय का मंदिर था, क्या मूर्तियाँ थी इसमें? शिव जी के परिवार की मूर्ति थी सब। आपका नाम क्या? मेरा नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता उर्फ अमित। कब से नौकरी कर रहे थे अभी? मैं 2007 से नौकरी कर रहा हूँ चौकीदार के पद पर। क्या नाम है तुम्हारा? अमित कुमार। अमित क्यों, कौन सी जगह आई है? सर सुनो, आज क्या मामला था, क्यों बुलाया पुलिस को आपने? आज था कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो रास्ते बंद थे बहुत बेजवाब खोले जा रहे हैं आप, वो यानी कि अवैध खोले जा रहे हैं वो। कौन सी जगह थी, क्या था पहले यहाँ पर? पहले यज्ञ बैठा, उस समय कोई आपत्ति नहीं है। जो दूसरा गेट खोले जा रही है उस समय आपत्ति है। हम ये खुले नंगे खाली बस। अच्छा, इस समय आपत्ति खाली बस। और हमारे मंदिर के सामने कोई पैरामाउंट है कि कोई गेट नहीं है? अभी यहाँ कोई गेट नहीं है अभी तक। तो वो भी पैरामाउंट वालों की जगह है क्या? वो भी जगह पैरामाउंट की है, अभी जगह की पैरामाउंट की है। तो आपने इसको लेकर पैरामाउंट वालों को लेकर बात की क्या? हमने बात रही थी वहाँ से, उन्होंने कह दी कि रास्ता केवल एक ही आला है, एक मेन बाहर है, एक बाहर है, कुल दो रास्ते हैं। अब ये अवैध तरीके से खोलना है ये रात बात। रात को काम कराते हैं, ये रात को काम कराते हैं और फिर खोलते हैं ये। तो हम इस तरीके से काम नहीं होने देंगे हम। तो हमने प्रशासन से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए कि सर हमारी मदद करो आप खाली बस। पुलिस आई थी, खुले नंगे गाड़ी आला। क्या आश्वासन दे के गई पुलिस आपको? अभी जो बात चल रही है आपके सामने और इजाजत दिया गेट नहीं खुलेगा ये। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।